जहां माड़े करड़े हो जाएंगे ना, मैं तो इनके साथ उगा मड़ेंगे। ताला लाना होगा इसमें ताला लाओगे, जेल में जाना होगा जेल में जाओगे। सरकार तबना हक मानना है और हक तो भाई साहब लखमा देकर भी ले लेना चाहिए। तो और एक सोटा लेके चलो, यो किस किस लिए ले रहे हो? सोटा सरकार का ही है, न्यू दिखाओ है या सोटा दे देंगे। महाराज जो काम है ना, जो बेरोजगार है 25 लाख उन भाई। फिलहाल भाई खेदड़ गाँव में है और जो धरना चल रहा है, तो जो गऊ के लिए जो राखी से गऊ के लिए जो कुछ चारा खरीदा जाओ था, उसका टेंडर है किसी और को दे दिया गया है, उसके गांव वाले बैठे हैं धरना चला रहे हैं। लेकिन आज नवीन जैन जी पहुंचे हैं, देखो बेवाक तरीके से जाने जावा हैं, बोलना भी उनका बेवाक है, लेकिन कहीं पीड़ा पंजा चलाए दे हैं। एक तो छोटा भी साथ में लेकर चला दिखने लग रहा अपना, तो बातचीत करांगे किस तरह के ऊपर के चल रहा है और समर्थन देने पहुँचे हैं। राम राम जी। राम राम जी। के कुछ कहना चाहोगे गौ के लिए? जो कुछ पैसा आवा था उस आप सरकार ने तो और को दे दिया टेंडर। कसाई होगी सरकार है, कसाई होगी। और गौ माता के नाम पर वोट ली थी इनने, लेकिन अब गौ माता के लिए चारा भी बेचते हैं। खेदड़ गांव में ना तो नौकरी, ना खेदड़ गांव में बिजली, प्लांट ने फूका है, क्या करेंगे वे प्लांट का क्या काम है? वैसे तो ये क्या 75% देंगे हम, खेदड़ गया ना कितनी मिली। कसाइयों की सरकार है और हम तो लोग ये कह रहे हैं 20 दिन से बैठे, माताएं बैठे, पूरा काम बैठा है, आस पड़ोस के काम बैठे हैं, श्रम लिया तीन ने, तो इसलिए हम तो ये कह रहे हैं या तो जल्दी है सरकार फैसला ले ले, नहीं तो गाँव वाले फैसला लेंगे उसके बाहर जाकर बैठेंगे फिर क्या करेंगे। जिस टाइम प्लांट लगे तो नौकरी मिलेगा मेरा नहीं कुछ भी नहीं, गाँव वाला ने खड़ा होना पड़ेगा, गाँव वाले खड़े हो जाएंगे सब कुछ देंगे। और बिजली भी नुकवा है, 2 घंटे आवे है, 2 घंटे भी कट मार का आवे है भाई सहलत को। गाँव वाले खड़े हो जाएंगे ना, मैं तो इनके साथ हूँ गाँव वाला के। ताला लाना होगा इसमें ताला लाओगे, जेल में जाना होगा जेल में जाओगे। सरकार तबना हक मानना है और हक तो भाई साहब लखमा देकर भी ले लेना चाहिए। तो गऊ के लिए ऐसा कर रहे हैं तो क्या कहना चाहो डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री साहब ने? बेशर्म और कसाई बताने लगा रहे, कसाई है कसाई गऊ क्यों सोचेगा? कसाई नहीं सोचेगा, कसाई है या सरकार जो गऊ की दुर्गति कर। और नवीन जी आप कहीं पीड़ा पंजा ले गए पहुंचे हो, जेसीबी के लिए कब्जे करने लायक है? कब्जे ना अपना हक है, किसे दूसरे हक नहीं ले रहे, अपना हक लेने कब्जा करा ले लेंगे यार। सरकार के लिए लड़ाई हमारी तो सीधी बात है, देख लेंगे मारते लिया जाएगा तो हम लेंगे। और एक सोटा लेके चलो, यो किस किस लिए ले रहे? सोटा सरकार का ही है, न्यू दिखाओ है या सोटा दे देंगे। महाराज जो काम है ना, जो बेरोजगार है 25 लाख उन भाई। और यह बेरोजगारी लगभग हरियाणा सबसे नंबर वन पाया गया, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? 7 तारीख ने बीजेपी का दफ्तर घेरेंगे, रोहतक में राज्य कार्यालय है उसने घेरेंगे। हमने कहा कि तो बड़का नौकरी ला दो अरनाल, फिर बड़का तो नहीं सड़क पाओ, सुसाइड करो मत, खुद क्यों मरना है? सरकार ने मारेंगे यार, इसके हाथ में तोड़ेंगे। एक तालो गांव का लड़का भिवानी में है, आज गया था इसलिए गया था, नौजवान सुसाइड ना करें, मर के थोड़ी जंग जीती जाएगी, मरना को ना सरकार मारनी है, उसके लिए तैयार हो जाओ। डिप्टी सीएम फिर भी नगोआ और भर्ती बतेरी थी, हरियाणा पुलिस में गया, हरियाणा पुलिस वाले रिवाज में बालक में सारा हरियाणा पुलिस के उसमें गया हूँ, वे हरियाणा पुलिस वाले इकट्ठे होंगे उस दिन कर देने दे देने रिजल्ट किस तरह ना चलते ना कुछ होता ना वैसा। तो के मनसा हो रहा है कि लगा आपने मनसा के गांव वाले जितने खड़े हो जाएंगे उससे दिन बैठ जाएंगे, बस यह है धरने पे बैठे हैं भाई, धरना कितने दिन करेंगे, कितने दिन ये दिन चाहो 1 साल करो बस यह है। ठीक है ओके। देखो नवीन जैन थे भाई, इतना सवाल पूछे हैं और जवाब दिया है, ये धरना चल रहा है इसमें पहुंचे थे, तो आपका क्या कुछ मानना? इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।